फादर, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप 786 जो कि लकी नोट है, आप ऑनलाइन कैसे सेल करें ईबे पर। तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले ईबे पे जाना, कोई भी बंदा सेल कर सकता है। ईबे पे जाकर के आप ईबे टाइप कीजिए, और ईबे को खोलिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है दोस्त, या तो आप रजिस्टर कर लीजिए। देखिए मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, तो इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। या तो आप रजिस्टर कर लीजिए, और नहीं तो माई ईबे पे जाइए। आप डायरेक्ट माई ईबे पे जाइएगा तो दो ऑप्शन आपके पास आएगा, रजिस्टर और साइन इन। अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो आप रजिस्टर कीजिए इसको। आप अपना ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, जो भी आप रखना चाहते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर नाम डालिए, और अपना फ़ोन नंबर डालिए। क्योंकि आपके पास ना वेरिफिकेशन के लिए आप एक उसी समय जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसी समय आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। तो आप रजिस्टर कर लीजिए, क्लिक कीजिएगा, बस रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपके पास एक मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस पर डालिएगा और फोर और एक्टिव हो जाएगा। दोस्त मैं लॉगिन हो जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं रजिस्टर हूँ, तो मैं लॉगिन हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है कि आपको जाना है कहाँ, माई ईवे पे जाइए, या डायरेक्ट ईवे फीड द्वारा क्लिक कीजिए रजिस्टर होने के बाद, और आप होम पेज खुलेगा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप 786 नंबर क्लिक कर दिए, नोट क्लिक कर दिए, और जितने सारे नोट ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं वो सारा नोट आपके पास दिख जाएगा यहाँ पे कि कितने में बंदे सेल कर रहे हैं 786 नंबर का नोट। अगर इससे मिलता जुलता हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, और दो तीन ऑप्शन आएगा आपके पास। पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, सेल इट योर सेल्फ। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्त क्या, यहाँ पे सेल इट योर सेल्फ। आपके पास अगर 786 नंबर का नोट है, सीरियल नंबर का नोट है, तो आप यहाँ पे सेल इट योर सेल्फ। यहाँ पे देखिए कोई बंदा सेल कर रहा है जिसके पास 500 का नोट है, जो कितने में सेल बिट किया हो, 5000 में वो सेल करने के लिए वो बिट कर रखा है। अगर किसी को चाहिए तो वो एक कॉन्टेक्ट करेगा सेलर से, और ये उसे मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्त अगर आपको सेल करना, अगर ये सेम 500 का नोट में अगर 786 नंबर है, तो आप इस पर सेल इट योर सेल्फ कर दीजिए, और आपको यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। अब देखिए दिस, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिए, ऐड प्रेशन सच ए रिजल्ट बना ऐड रिमूव, तो यहाँ पे गेट हेल्प, गेट हेल्प तो मुझे लेना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था, क्या था, आपके पास 500 का नोट है, इंडियन करेंसी है, सीरियल नंबर इतना है मिडिल में, और यहाँ पे चूँकि फ़ोटो डालना है, तो फ़ोटो अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, फ़ोटो अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। फ़ोटो डालने के बाद यहाँ पे आपसे अगर स्पेसिफिक पूछा तो ठीक है, नहीं है तो आप नोट स्पेसिफिक कर दीजिए, टैप पूछ लीजिए, कैंसिल बैंक नोट, बैंक नोट कर दिए, वारंटी तो थर्ड पार्टी, नो वारंटी, इंटरनेशनल वारंटी जो भी है, मैनुफैक्चर वारंटी कर दिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसका पूरा प्रोटेक्शन लेती है। और यहाँ पे तो सेलर प्राइस, आप जो उसका प्राइस रखना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे 2900 से लेकर के मैं रखना चाहता हूँ इतना एक नोट का, ठीक है ना। ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन में आप इसे डिलीवर कर दीजिएगा, ड्यूरेशन दे रखा और बीट। यहाँ पे सारा जो भी ऑलरेडी
पूरा डिटेल पे फिलअप था, तो यहाँ पे सारा डिटेल आ गया। एक यहाँ पे इमेज नहीं है, आप इमेज कुछ भी हो जो कर रखें, इमेज इमेज यहाँ पे डाल दीजिए और अपलोड कर दीजिए। अब दोस्त यहाँ पर चूँकि अपलोड करने के बाद आपका इमेज यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या नेक्स्ट कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये पेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे एट्रीब्यूट मांग रहा है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मांग रहा है बाई इट नाउ प्लीज इंटर द वैली बाई इट प्राइज द ग्रेटर स्ट्रेटजी, मतलब आपको स्टेप बाई स्टेप पे पूछता जाएगा। अब यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे आपको क्या डिस्क्रिप्शन डालनी है, तो आप जो भी नोट के अंदर, अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप फिर से ईवे खोलिए। यहाँ पे आप दोबारा ईवे खोलिए और ईवे खोलने के बाद 786 नंबर डाल दिए, सर्च कर दिए। सर्च करने के बाद आपके पास कौन सा नोट था, ए नोट था जिसका आपका डिस्क्रिप्शन नहीं पता, कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाइए आप नीचे। यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में अगला बंदा है क्या डाल रखा, ए डाल रखा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए। और दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा था दोस्त, प्लीज इंटर द वैलिड बाई इट नाउ प्राइस ग्रेटर देन द वो स्टार्टिंग प्राइस। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, मैं क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस था, यहाँ पे मुझे रखना चाहिए था 1999 और यहाँ करना चाहिए था बिट प्राइस 2999, क्योंकि ग्रेटर देन होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो शिपिंग चार्ज बोला कम कीजिए, तो मैं यहाँ कर दिया शिपिंग चार्ज 90 रुपया, या छोड़ दीजिए फ्री में कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट करके देखिए ले रहा है या नहीं ले रहा, देखिए दोस्त ए ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए यहाँ बोला लिस्ट कीजिए, अगर आप लिस्ट योर आइटम, ठीक है, जो मैं आइटम अभी पब्लिश किया हूँ अभी लिस्ट नहीं हुआ, ये प्रोसेस में हो गया। अब बोला लिस्ट योर आइटम, तो यहाँ पे आप लिस्ट कर दीजिए। लिस्ट करने के बाद देखिए दोस्त, मेरा ये पब्लिश हो गया, अब कोई भी बंदा इसे देख करके खरीद सकता है, यानी मेरा नोट। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या किया था, देखिए मैं 500 के जगह पे यहाँ पर 1000 का नोट डाला था, जो आपको दिखाने के लिए कि देखिए लिस्ट कैसे होता है। यहाँ पे क्या मैं सो रखा हूँ, ₹500 इंडियन करेंसी विथ सीरियल नंबर इतना। तो चूँकि दोस्त मैं, मेरे पास 500 का नोट का कॉपी नहीं था, तो इसलिए मैं 1000 रुपये का नोट डाल दिया था यहाँ पे, और 1000 रुपये का नोट डालने के बाद ये आपको यहाँ पे शो हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्त बोला आस्क टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ बोला आस्क टू क्वेश्चन, जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा अब मेरे पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए कैसे सेल करते हैं। अब दोस्त चूँकि मुझे सेल नहीं करना, तो मुझे इसको डिलीट कर देना, तो मुझे क्या जाना, सेल में जाना और स्टार्ट सेलिंग नहीं करना, मुझे माई ईवी में जाना, ठीक है। माई ईवी में जाने के बाद माई सेलिंग में जाना, ऑल सेलिंग में जाना, और यहाँ देखिए दोस्त यहाँ पे नोट शो कर दिया, ठीक है। तो इसे मुझे क्या डिलीट करना, मुझे चूँकि मुझे सेल नहीं करनी है, तो मुझे क्या डिलीट करना है, यहाँ जाना ऑप्शन में, इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डिलीट का ऑप्शन होगा कहीं पे, मैं देखा था लास्ट टाइम, ये देखिए एडिट, एडिट में नहीं जाना है, और इसको मुझे एडिट कर देना, और एडिट में जाने के बाद दोस्त क्या करेंगे हम, इसका हम पिक्चर यहाँ से
डिलीट कर दिए दोस्त, यहाँ से पिक्चर डिलीट कर दिए, या यहाँ पे देखिए रिमूव एड या रिमूव ऑप्शन, रिमूव को क्लिक कर दिए, ठीक है। और यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये तो सबसे इजी ट्रिक, सबसे इजी हम आपको प्रोसेस बताया, जो आपको कुछ भी नहीं करना, बस नेक्स्ट टू नेक्स्ट करना और आपका आप चाहे 786 नंबर नोट सेल करना चाहते हो, चाहे कुछ किसी भी तरह का नोट सेल करना चाहते हैं, तो आप यहां से इजी वे में सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त आपने देखा कि मैं आपको सबसे इजीएस्ट ट्रिक बताया कैसे आप ईवे पे सेल करें, और फेसबुक पे जहां लोग नोट डालते हैं वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं होता, कोई सिक्योर नहीं होता, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, लेकिन ईवे पे लोग हज़ारों लोग करोड़ों लोग विजिट करते हैं, और इंटरनेशनल पर्सन भी आते हैं, जिससे आप जिससे आपको अच्छा कस्टमर मिल जाएगा। तो दोस्त अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और अच्छे अच्छे वीडियो मैं पब्लिश करते रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई